गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 एसएसटी लेसन 3 के पार्ट 2 मूवमेंट ऑफ द अर्थ का फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए थे रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसमें फॉर्मेशन ऑफ सीजन और इक्विनॉक्स के बारे में जानेंगे। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स एलिप्टिकल पथ कॉल्ड ऑर्बिट। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एक क्या है, मूवमेंट है ऑफ द अर्थ धरती का अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ इन फिक्स एलिप्टिकल पथ। एलिप्टिकल पथ मतलब अंडाकार राह जिसको ऑर्बिट यानी ग्रह पथ बोला जाता है। द ऑर्बिट इज ओवल इन शेप। ऑर्बिट जो है अंडाकार होता है। इट टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ये जो है एक रिवॉल्यूशन में 365 डेज लगाता है, बट इन आवर कैलेंडर ए ईयर है ओनली 365 ईयर। सो लेकिन हमारे कैलेंडर में एक साल में 365 दिन का गिनती होता है। हाउ वर जस्ट द 1/4 क्वार्टर ऑफ ए डे यानी 6 आवर। दिस क्वार्टर ऑफ ए डे या 6 आवर इज एक्युमुलेटेड एंड आफ्टर ए बीन फोर ईयर 4 साल के बाद इसको जमा किया जाता है। व्हेन इट बिकम ए कंप्लीट डे फिर जब ये कंप्लीट डे 6+6+6 यानी 24 आवर होगा। इट इज एडेड टू द पर्टिकुलर ईयर मंथ ऑफ फरवरी जिसको जब फरवरी में जोड़ दिया जाता है। तो फरवरी है 29 इन दैट ईयर ऑफ 63 फरवरी में 29 के कारण साल में 365 डे हो जाते हैं। दिस ईयर इज नोन एज द लीप ईयर। इसी साल को लीप ईयर बोला जाता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीजन। सीजन आर कॉल्ड ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। सीजन रिवॉल्यूशन के कारण होता है धरती के और ये जो है अर्थ एक्सिस धरती के केंद्र बिंदु की तरफ झुकी रहती है। देयर आर फोर डिस्टेंस सीजन एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ। धरती पर 4 ऋतुएं हैं। दे आर समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम। लेट अस लर्न हाउ दे आर कॉल्ड। कैसे बनता है इसको पढ़ते हैं। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड द सन। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुकती है द साउदर्न हेमिस्फीयर लीन अवे फ्रॉम इट। तो साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, वह भी उसकी तरफ झुकती है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव डायरेक्ट सन रे एंड हैज समर सीजन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती है जिसके कारण समर सीजन होता है। इन समर गर्मी में द डे आर लॉन्गर देन द नाइट। रात की अपेक्षा दिन बड़ा होता है। मीनवाइल जबकि द साउदर्न हेमिस्फीयर रिसीव लेस माइल्ड रेन रेज सन रेज एंड एक्सपीरियंस विंटर सीजन। साउदर्न हेमिस्फीयर में जहां पर सूर्य की किरण कम पड़ती है विंटर सीजन होता है। इन विंटर 4 में क्या होता है, डे आर शॉर्टर देन नाइट। दिन जो है छोटा होता है रात की अपेक्षा। सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर अकॉर्ड एट अपोजिट टाइम ऑफ द ईयर। खरोब 2 दिन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न समर बराबर साउदर्न विंटर। नॉर्थ में अगर समर है तो साउथ में विंटर होगा। द लॉन्ग डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज ऑन 21 जून। साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। इट इज नोन एज द समर सॉल्स्टिस। इसको समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। हियर द सन इज शाइन डायरेक्टली ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पर सूरज की किरण डायरेक्ट सन के ऊपर करके रेखा पर पड़ती है। देयर आर 6 मंथ ऑफ कंटीन्यूअस सनलाइट इन द आर्कटिक सर्कल। लगातार 6 महीने तक सनलाइट पड़ता है आर्कटिक सर्कल में। सिमिलरली ऑन 22 दिसंबर 22 दिसंबर द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक मकर रेखा के ऊपर 22 दिसंबर को डायरेक्ट सूरज की किरण पड़ती है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ ब्रिंग द साउथर्न हेमिस्फीयर क्लोजर टू सन मेकिंग इट समर। द टिल्ट ऑफ द अर्थ धरती का झुका हुआ भाग ब्रिंग द साउथर्न हेमिस्फीयर क्लोजर टू द सन। सन के पास आता है दक्षिणी हेमिस्फीयर जिसके कारण समर गर्मी बनती है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव लेस सन रे एंड एक्सपीरियंस विंटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरण कम पड़ती है जिसके कारण ठंडा पड़ता है। 22 दिसंबर मार्च द विंटर सोलस्टाइज एज इन द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर विंटर सोलस्टाइज कहलाती है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन होता है। इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स इज द टाइम व्हेन ऑल प्लेस ऑफ द अर्थ आर इक्वल डे एंड नाइट। इक्विनॉक्स क्या है, टाइम है जहां पर धरती पर दिन और रात एक होते हैं। बिकॉज द सन शाइन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इसका क्या कारण है, सूरज की किरण डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ता है।
ड्यूरेशन ऑफ द डे, 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ नाइट। इसके कारण इस रीजन में